सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई यहाँ पर था मैं आज आपके साथ बात कर लेता हूँ Redmi 5 डिवाइस के यूज़र्स के बारे में। भाई कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया ही होगा कि भाई 811 ओरियो देखने को मिल गया, अब तो यहाँ पर बात आती है एंड्रॉयड पाई की कि भाई एंड्रॉयड पाई अब कब तक देखने को मिलता है और कौन कौन से फ़ीचर्स मिलेंगे। भाई धूम धड़ाका वाले फ़ीचर्स की सभी को है नीड, तो यहाँ पर ना बात कर लेते हैं इन्हीं फ़ीचर्स को लेकर और अपडेट को लेकर कि भाई अपडेट हमें देख को मिले भी या नहीं, और उसके साथ अगर तो ये देखने को मिलेगी तो कितना टाइम लगेगा, कब तक देखने को मिलेगी। तो डिटेल के साथ आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सारा मोटिवेशन मिल जाता है अगली वीडियो बनाने में। और उसके साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो बेसिकली भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब ये जो फ़ोन Redmi 5 हमारे लिए आया था ये आया था Android 7 पर, मतलब कि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये नोगट की बेस पर हमारे लिए अवेलेबल किया गया था या आउट ऑफ द बॉक्स हमारे लिए 7.1 नोगट पर आया था। तो उसके बाद ही यहाँ पर मतलब कि काफ़ी मतलब परेशानी सी होकर हमें एंड्रॉयड 8.1 ओरियो भी देखने को मिल गया। और जब एंड्रॉयड 8.1 ओरियो देखने को मिला तो उसके बाद यूज़र्स के दिमाग में आई कि भाई एंड्रॉयड पाई भी देखने को मिलना चाहिए। और ये अकेली देखकर इसीलिए नहीं आई कि एंड्रॉयड 8.1 ओरियो हमें देखने को मिल गया है तो एंड्रॉयड पाई भी देखने को मिल गया, नहीं भाई नहीं। ये काफ़ी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के बाद कोई अपडेट देखने को मिलनी ही नहीं थी मगर उन्हें भी एंड्रॉयड पाई देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर जो यूज़र्स हैं उनके दिमाग में काफ़ी सवालात से आ जाते हैं कि भाई एंड्रॉयड पाई देखने को मिलेगा या नहीं। तो भाई बेसिकली मैं यहाँ पर आपके साथ सबसे पहले बात कर लूँ कि ये जो फ़ोन है ये हमें एंड्रॉयड 7 पर देखने को मिला। और Redmi की जो पॉलिसी है वो Xiaomi की तरफ से ये है कि भाई जब तक एक फ़ोन लॉन्च किया जाता है उसे एक ही मेजर अपडेट दी जाती है, मतलब कि हमारी Redmi 5 डिवाइस को एक मेजर अपडेट देखने को मिल चुकी है जो कि एंड्रॉयड 8.1 ओरियो की है, सही। और यहाँ पर जो पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो कहते हैं कि अगर एक फ़ोन यहाँ पर नोगट की बेस पर लॉन्च किया जाता है तो इससे 8.1 ओरियो मिलेगा, अगर ओरियो की बेस पर लॉन्च होता है तो एंड्रॉयड 9.0 देखने को मिलेगा, और अगर 9.0 देखने को मिल गया पहले ही तो एंड्रॉयड क्यू देखने को मिल जाएगा, क्या ही बात है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ Redmi 5 के टॉपिक के बारे में। तो भाई यहाँ पर जो जबकि Redmi Note 5 हमारे लिए आया था और Redmi Note 5 Pro हमारे लिए आया है, मतलब जब ये लॉन्च किए गए थे तो यहाँ पर हमारे लिए एक मतलब कि बात की गई थी कि हम इनको फीचर देंगे। यहाँ पर आपको सभी मतलब सभी कुछ पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ये क्या फंडा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, इसलिए कुछ फ़ोन्स के साथ ऐसा हुआ भी है इसलिए उनकी भी स्टोरी मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ कि शायद हमारे फ़ोन के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली बता दूं कि भाई यहाँ पर जो Redmi Note 5 और Note 5 Pro जब डिवाइसेस लॉन्च हुई थी तो उसी इवेंट के दौरान यहाँ पर हमें बताया गया था कि भाई हम इन डिवाइसेस को फेस अनलॉक देंगे। ना भाई ना, सिर्फ Redmi Note 5 Pro को बताया गया था, Redmi Note 5 के लिए कोई ओपिनियन इन्होंने अपने लिए कोई भी नहीं दिया था कि भाई हम इन इस डिवाइस को भी कुछ देंगे, तो ऑब्वियसली उसके बारे में बताया नहीं गया मगर उसको दे दिया गया। अब बात ये नहीं आती कि भाई वो उसके साथ लॉन्च की गई तो उसे दे दिया गया, नहीं भाई नहीं, यहाँ पर बात ये आती है कि भाई उसे दिया कैसे गया हालांकि उसके बारे में कोई अपडेट्स नहीं आई थी। ऐसा ही हमारे Redmi 5 के साथ है, अपडेट तो कोई नहीं है भाई, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं बता रही Xiaomi, मगर यहाँ पर जो रूमर्स हैं वो ये निकल कर आ रहे हैं हमारे लिए कि भाई Redmi 5 को एंड्रॉयड पाई देखने को मिल सकता है। क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि मैं इतना श्योरली कैसे कह सकता हूँ, आप ये सभी कुछ यही सब कुछ समझ रहे होंगे कि मैं इतना श्योरली क्यों कह रहा हूँ। तो बेसिकली भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूँ डिटेल के साथ कि हमसे पहले भी कुछ ऐसी डिवाइसेस रही हैं जिनको सिर्फ वन मेजर अपडेट देखने को मिलना था मगर उन्हें वन मेजर अपडेट देखने को भी मिल गया, मगर उसके बाद भी एक और वन मेजर अपडेट देखने को मिल गया, ये तो फिर मैजिक सा ही हो गया। मतलब कि अब यहाँ पर रूमर्स तो भाई Redmi Note 5 के भी आ रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर एंड्रॉयड पाई देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्योंकि देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर
मतलब कि जहाँ पर कस्टमर ऑफिसर जो होते हैं हमारे लिए एमआई के, उनसे भी बात की गई है, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही बताया है कि भाई हम इस मतलब डिवाइस जो है इसको हम एंड्रॉयड पाई की अपडेट देंगे। और उसके बाद यहाँ पर GSM Arena या ऐसी गैजेट 360 जो मतलब के वेबसाइट्स हैं, पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, एक्सपेंसिव है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये भी यही बता रही हैं कि Redmi Note 5 को हम अपडेट देने वाले हैं Android Pie की। और उसके बाद यहाँ पर अब बात आती है Redmi 5 की, तो बेसिकली भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर तो भाई Xiaomi अपनी पॉलिसी तोड़ देता है, ये नहीं पता कि ये किस लिए इन्होंने तोड़ी है, क्योंकि यूज़र्स को इन्होंने 1 major अपडेट से भी ज़्यादा अपडेट्स दिए हैं। मगर अब यहाँ पर बात आती है Redmi Note 5 को छोड़कर Redmi 5 की, कि भाई यहाँ पर Redmi 5 जो डिवाइस है इसको क्या Android Pie की अपडेट मिलेगी। तो भाई मेरा जो जवाब है वो है हाँ, क्योंकि मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जब Xiaomi उन पर अपनी जो मतलब की पॉलिसीज हैं वो तोड़ सकता है जो कि थर्ड क्लास फ़ोन से, मगर यहाँ पर Redmi फ़ोन्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन है और 2018 में लॉन्च किया गया ऑफिशियल 20 मार्च को डेट सामने है, तो यहाँ पर इसे फ़ोन क्यों नहीं इसको देखने को मिलेगी भाई, यहाँ पर कैसे हो सकता है कि इसको ना देखने को मिले। मेरा ओपिनियन यही कहता है कि भाई हमें अपडेट देखने को मिलेगी, मगर अब हो सकता है कि ये हमें कब तक देखने को मिले इसके बारे में मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। हो सकता है कि अगले महीने तक आपको कोई रोमर्स या इन्फॉर्मेशन और मज़ीद निकल कर आए, मगर रोमर्स ये आ रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर देखने को अपडेट मिलेगी एंड्रॉयड Pie की। तो भाई यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इस वीडियो में Redmi 5 के लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, उसके साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं मेरी अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।